क्वेश्चन नंबर एक ना सिंपल सा हमने लास्ट क्लास में एसएलएम वाला कर लिया था, आज ना हम सिंपल सा एक डब्ल्यूडीबी वाला करेंगे, फिर आज एक चेंज मेथड करेंगे। आज करने के बाद 90% डेप्रिसिएशन का पार्ट हम कवरअप कर लेंगे, उसके बाद फिर हमारा रहेगा एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो पहले एक सिंपल सा हम कर लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ये मैं पहले वर्किंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिए अकाउंट का फॉर्मेट फटाफट से। जितने बच्चे नए होंगे उनको पहले डेप्रिसिएशन की क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाके ये समझ में आएगा आपको डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऑलरेडी हम दो क्लासेस ले चुके हैं डेप्रिसिएशन की, है ना। तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। मैं नीचे रख लेता हूं इसको, और वर्किंग नोट के लिए ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सवाल में देखते हैं क्या कहता है। कहता है एबीसी लिमिटेड ने परचेज किया है जैन, और जैन में कब खरीदा है इसने सर? जैन में खरीदा 1 जनवरी 2018 में सर्टेन मशीनरी 194 का, जिसको नाम दे देता हूं M1, 1 जनवरी 2018। सर कितने का? 1,94,000। उसके ऊपर स्पेंट किया इसने 6,000 इंस्टॉलेशन का, तो आप ना यहीं पे ऐड कर दो, प्लस का सिंबल डाल के यहीं पे 6,000 कर दो, ऐसा कोई समस्या है नहीं आपका। यानी M1, हालांकि बोला गया है क्वेश्चन में कि आपने खरीदा 1,94 का, लेकिन आप याद रखना कि वो 1,94 के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, सारा काम हम किससे करेंगे? 2 लाख रुपए से लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है ऑन जुलाई एडिशन मशीनरी 1 लाख का परचेज किया है, जुलाई में, जुलाई 2018 में। सर ये भी 18 में था, कुछ दिनों बाद 1 जुलाई 1/7/2018 में खरीदा है सर, कितने? M2 नाम दे देते हैं, है ना। और कितने का खरीदा है सर? 1 लाख रुपए का। पहले ना हमें सवाल के लिए वर्किंग नोट कर लेना चाहिए ताकि आसानी रहे। इसके बाद क्या कहता है, जुलाई 2020 में मशीनरी परचेज ऑन जैन 2018 हैविंग बिकम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बेकार हो जाना, काम का नहीं रहना, उसे एब्सोल्यूट बोल देते हैं। तो कहता है कि जुलाई 2020 में, यानी समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, जैसे ही पहुंचे हम जुलाई 2020 के अंदर, जैसे ही पहुंचे हम जुलाई 2020 में, द मशीनरी परचेज ऑन जैन 2018 हैव बिकम एब्सोल्यूट वाज सोल्ड ₹1 लाख। तो आप सबसे पहले तो बताइए, जुलाई 2020 के अंदर अगर बात चल रही है और कहता है जिस मशीनरी को खरीदा था 1 जनवरी 2018 में, तो आप बताइए दो मशीनरी है आपके पास, तो किस मशीनरी को बेचने की बात चल रही है? पहले वाले को या दूसरे वाले को? फर्स्ट को, ठीक है। अब भाई जो जितने बच्चे भी लाइव है ना, कमेंट में आपको भी जवाब देना है, और साथ के साथ अगर वॉइस में कोई भी दिक्कत आती है फटाफट से आप कमेंट में डालना, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दूं। तो यहां पे इस सवाल का मतलब है हमने कौन से वाला बेचा है? पहले वाला, फर्स्ट वाला बेच दिया है। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं कि सर इस मशीनरी को बेचा जाएगा, और बेचा कब जाएगा? 1/7/2020 में। कितने का बेचा जाएगा? 1 लाख का। तो ये डेट मेरे ध्यान रखने के लिए लिख लिया आगे, है ना। आगे कहता है सर कंटिन्यू में क्या कहता है ये, चलिए
कंटिन्यू में कहता है एंड सेम डेट पे एक नई मशीनरी परचेज कर लिया 1.5 लाख का, एक और मशीनरी खरीद लिया सेम डेट पे 1.5 लाख का। तो सेम डेट मतलब इसी डेट की बात कर रहा है, तो हम यहां लिख लेते हैं M2 खरीद लिया कब, 1/7/2020 में, कितने का सर 1.5 लाख रुपए का खरीदा है। अच्छा हाँ M3 होगा ना, चलिए M3 कर देते हैं इसको M3। आगे कहता है कंटिन्यू में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे हम 31 दिसंबर को हर साल, ठीक है भैया। अरे 10% किस हिसाब से, ओरिजिनल कॉस्ट द मशीनरी ऑन जनवरी हाउएवर कंपनी चेंज। चलो ये चेंज वाला ही आ गया, मैं सोचा था सिंपल सवाल कराऊंगा, लेकिन चेंज वाले के बारे में बता नहीं रहा, एक बार सवाल करूंगा ना तो आपको पता समझ में आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, नया क्या था 11वीं से, ठीक है। या पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहले बताना जरूरी है। एक ना हमारे ना अगर बोला जाए ना सर डेप्रिसिएशन चैप्टर क्या 11वीं जैसा है क्या 11th जैसा है, मैं कहूंगा यस। तो सर इसमें क्यों डाला, इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट अलग आ जाता है, ओनली वन कॉन्सेप्ट, दैट इज चेंज मेथड। सर चेंज मेथड क्या अलग आ जाता है, हमने तो 11वीं में पढ़ा भी नहीं था चेंज मेथड, इसमें क्या नया है। बोलते हैं कि मैनेजमेंट में ना लोग पागल होते हैं, मैनेजमेंट में लोग थोड़े से ना टाइम बचा हुआ है खाली है भैया, आपको बोल दिया गया ना, अगर आपको आजादी दे दी जाए ना कि आप ये काम कर लो या ये काम कर लो, जैसे ऑप्शन दे देते हैं ना क्वेश्चन में, तो बच्चा परेशान ज्यादा होता है, ये भी करें कि ये भी करें, ये भी करें कि ये भी करें। तो ऐसे ही लॉ ने बोल दिया कि तुम SLM लगाओ या WDV लगाओ, तो मैनेजमेंट ने इस डेट पे, मान लेते हैं मैनेजमेंट इस डेट पे 1/4/2015 में मैनेजमेंट ने क्या सोचा, चलो हम अपना अकाउंटिंग करना स्टार्ट करें और हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे एज पर WDV मेथड 10% के हिसाब से, डन। इन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि ये लगेगा। अब 2000 क्या आया, 16 आया, क्या आया 2000 क्या आया 17 आया, 2000 क्या आया 18 आया, 2000 क्या आया सर 19 आया, मान लेते हैं 2019 में ये मैनेजमेंट क्या कहता है सर, यही मैनेजमेंट 2019 में कहता है अब मैं बोर हो गया हूं। सर किससे बोर हो गए हो, बोला डेप्रिसिएशन लगाते लगाते बोर हो गए, कुछ नया करते हैं ना, तो बोला नया SLM लगाएंगे अब आज के बाद से क्या लगाएंगे हम SLM लगाएंगे, मैं थोड़ा बोर हो गया हूं तो मैं आज के बाद SLM लगाएंगे। बोला और थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए तो अब रेट को मैं 10 की जगह पकड़ दूंगा मैं 15% या 10 की जगह पे कर दूंगा 20%। तो दैट इज कॉल्ड चेंज मेथड। स्टार्टिंग में हमने शुरुआत कुछ और किया था और फर्दर आगे जाके मैंने क्या कर लिया था, चेंज कर लिया है, इसको बोलते हैं हम चेंज मेथड। अगर 2 साल पहले आप ये पढ़ रहे होते ना तो इसमें काफी टाइम लगता, लेकिन जब से हमारा PPE आया है ना, यानी AS10 जब से आया है तब से इसको बड़ा आसान कर दिया गया। सर चेंज मेथड से क्या फर्क होगा, नहीं होगा अभी देख लेंगे। क्या ये चेंज मेथड करना ऑप्शनल है, कोई किसी भी टाइम कर सकता है, किसी भी साल के शुरुआत दौर में। WDV से SLM में जा सकता है, SLM से WDV में आ सकता है, दोनों पॉसिबल है। दूसरा, रेट 10 है तो 10 को 10 ही रहने दे सकता है, मेथड चेंज कर सकता है और रेट को भी चेंज कर सकता है और मेथड भी चेंज कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर जैसे कि मान लेते हैं मेरा एक 10,000 रुपए का मशीनरी है 1 लाख का, मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं सर 10% SLM, तो कितना लगेगा, बचा कितना, अगले साल कितना लगेगा, अगेन 10 ही लगेगा भैया SLM है ना, 10,000 बचा कितना। अब एग्जामिनर बोलता मूड नहीं कर रहा है SLM, अब WDV लगाऊंगा मैं, तो मैनेजमेंट से एक बात ये भी पूछ लेना, भैया तुम्हारा जब मूड नहीं कर रहा है इसको लगाने का, WDV लगाने की बात कर रहे हो तो रेट सेम ही अलग है, उसने ना रेट नहीं बदल रहा, मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर अब क्या लगेगा 8,000 बचे कितने 72,000, फिर क्या लगेगा 7200। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस दिन मूड चेंज, जो वैल्यू बचा है उसी पर डेप्रिसिएशन लगाना क्या करेंगे, उस मूड के हिसाब से लगाना चालू करेंगे, समझ रहे हो ना, जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। अगर बोलता भैया रेट भी बदलूंगा 20 करूंगा मैं, तो मैंने कोई बात नहीं 20 कर दे भाई, अब 16 लगाऊंगा मैं और उसके हिसाब से चलता जाएगा, समझ में आया चेंज मेथड। तो इतना बड़ा कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आया, पहले था क्या, हम क्या करते थे पहले SLM लगाया तो फिर हम शुरू से एक बार WDV लगाते थे, फिर दोनों के डिफरेंस को मैच किया जाता था
उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कहा जाता था, लेकिन लॉ जब से नया बनाया ना तो बोला गया कि डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी चार्ज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या? मैनेजमेंट कभी भी पीछे डेट से डेप्रिसिएशन के रेट को बदलने से यहां से नहीं बदलेगा, वो कहां से बदलेगा? जिस दिन उसने डिसाइड किया है वहां से बदलेगा। अगर इस दिन डिसाइड किया है और अगर वो पीछे से बदल ले तो इसको क्या बोलते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और जिस दिन डिसाइड किया है उसी दिन से बदल ले तो उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो पहले रिट्रोस्पेक्टिव वाला हुआ करता था, लेकिन AS 10 ने इसको खत्म कर दिया, बोला भैया अब मैनेजमेंट आप ऐसे नहीं कर सकते, अब कौन से वाला चलता है? सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चलता है। समझ में आई बात आपको? कुछ छोटी सी बातें तो अब सवाल में देख लेते हैं। सवाल के अंदर क्या था? 10% WDV लगाया जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी को मैनेजमेंट का दिमाग खराब हो गया, 1 जनवरी 2021 में मैनेजमेंट ने बोला हाउएवर कंपनी हैज चेंज द मेथड फ्रॉम, पहले ये पता है कौन सा लगा रहा है सर? पहले लगा रहा है ये SLM लगा रहा है स्टार्टिंग में। कहता है 1 जनवरी 2021 को हाउएवर द कंपनी हैज चेंज द मेथड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड अडॉप्ट द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 15%। बोला कि भैया मेरा ज्यादा दिमाग खराब हो गया, अब तो मैं लगाऊंगा 15 और वो भी कौन से मेथड से लगाऊंगा? WDV के नाम से। तो मैंने बोला भैया अब देखो नए लॉ के हिसाब से तो कोई फर्क ही महसूस नहीं होगा, जैसे मैंने पीछे किया था वैसे ही करने वाले हैं। तो कब डिसीजन लिया? 21 में। तो कब लगेगा ये नए वाला मेथड? 21 में लगेगा, ठीक है ना। और कहता है डेप्रिसिएशन 18 से लेके 21 तक बनाओ, यानी 18, 19, 20, 21, 4 सालों का हो जाएगा। तो चलिए सर डेप्रिसिएशन पहले लगाना चालू करते हैं। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31/12/2018 पूरे साल का कितना? 20,000। सर मेथड तो ये कौन से वाला है? SLM है। तो बचा कितना? 180। डेट क्या आया? 1/1/2019। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा सर? सर डेप्रिसिएशन कितना? अगेन 20। तो बचा कितना? 160। ये डेट क्या आया? 1/1/2020। और 6 महीने बाद तो बेची दिया, तो 1/7/2020 तक का डेप लगेगा। तो बताइए कितने महीने का लगेगा? सर 6 महीने का लगेगा। और 6 महीने का कितना होता है सर? 10,000 होता है। तो बचे कितने? 150। और 150 वाले को मैंने बोला भैया इसको बेचो, मैंने क्या कर दिया? सोल्ड। कितने का? 1,00,000 का। तो नुकसान हो गया 50,000 का। क्या हो गया? लॉस। 50 का क्या हुआ? लॉस। समझ में आई बात? बड़ा बेसिक सा है, 15 नंबर में ऐसे सवाल आएंगे आपके PPE में से, इतना बड़ा नहीं है कि बहुत चेंजिंग करने वाले, तो 15 नंबर में बड़ा बेसिक सा सवाल आएगा। तो देखो फाइनल अकाउंट तो फिर भी लंबा गया, आपने इन्वेंट्री वाला देखा, अभी इन्वेंट्री वाला मैंने क्वेश्चन दे ही नहीं पाया हूं मैं। WDV वाला जल्दी खत्म हो जाएगा, ब्रांच में थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि रेगुलर क्लास करके, मेरा यही टारगेट है। अगर मैं देखूं तो भाई 15 फरवरी में एग्जाम है, हालांकि मेरा एग्जाम कब है? मार्च में है, 1, 3, 4 तारीख को है ना। तो मेरा टारगेट है कि 5-6 फरवरी तक ना मैं अपना सिलेबस खत्म करा दूं, उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड कुछ काम करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। और वो हो जाएगा अचीव संडे आपका। इस संडे तो आपने बोल दिया भैया हम कॉलेज जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, छोड़ दिया। अगले संडे आपके क्लास 3 घंटे की होने वाली है, तो जो 3 घंटे की क्लास होगा उसके अंदर शायद कोई एक चैप्टर ही पूरा खत्म कर दूं मैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए सर अब इसके बाद शो द मशीनरी अकाउंट। और देखो यहां पे ना एक वर्ड होता है, कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, कैलेंडर ईयर जनवरी से शुरू होता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए एक मशीन का हमने काम तमाम कर दिया, खत्म कर दिया इसका। अब आ जाते हैं सर 31/12/2018, इसके ऊपर भी डेप लगाएं, कौन सा लगेगा? 18 में तो SLM था, कितना लगेगा 6 महीने का? सर 5,000 रुपए। कितने बचे? 95,000। फिर से डेप लगाएंगे सर, ये क्या डेट आ गया? 1/1/2019। उसके बाद 31/12/2019 फिर से डेप लगेगा पूरे साल का, कितना? 10,000। किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो ना सर ये 10,000 कैसे ले रहे हो, तो जरूर पूछ लेना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा, चल इसको थोड़ा सा हटा देते हैं इस साइड से, क्योंकि यहां से तो पढ़ने की जरूरत है, जब इधर काम करेंगे तो इधर कर देंगे इसको, ठीक है ना। चलिए
चलिए सर, अब हम आगे आ जाते हैं, किस डेट पे आ गए, 1/1/2020। अब डेप्रिसिएशन 31/12/2020, फिर से क्या लगेगा, एसएलएमई लगेगा सर 10,000, तो कितने बचे 75,000। अब क्या आ गया 1/1/2021, सब मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मेथड चेंज कर ले भाई, मेथड चेंज यहां से कर देंगे, लेकिन रेट भी क्या कर दिया चेंज, तो अब कितना लगाएंगे 15%। अब लगाएंगे सर 15% WDB के हिसाब से, तो सर 15% WDB के हिसाब से कैसे लगाया जाता है, तो इनटू में 15/100, तो कितना हो जाएगा 7,500, और 7,500 का आधा कितना होता है 11,250। ये नए वाला मेथड है, माइनस कर दो सर, माइनस कर दो कितने 750, ये आ गया हमारा। ये कुछ पता चला चेंज मेथड में, बड़ा बेसिक सा चीज है, लेकिन बहुत बच्चे ना इसको ना मतलब के एक बहुत बड़ा पॉइंट बिल्डअप कर देते हैं कि भैया इसमें तो अलग है, चेंज मेथड आएगा, तो मुझे तो 11वीं से भी आसान लग रहा है। ये एंट्री आएगी कब, 31/12/2020 में, अगेन कितने महीने का, 6 महीने का, 6 महीने का कितना आएगा सर 7500। डेप्रिसिएशन चेंज तो हुआ नहीं, चेंज तो 21 में हुआ ना, तो 1/42/500। अब क्या आ गया सर 1/1/2021, अब 31/12/2021 सर मेथड चेंज हो गया, 15% लगेगा एस पर WDV, और वो भी 15%, कौन बच्चा निकाल के बताएगा, फटाफट बताइए, 21375। भाई आज बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं, चलिए माइनस करिए, गलत मत दीजिएगा बस आंसर। बारह ग्यारह पच्चीस, ठीक है, समझ में आ गए। अब क्या करना है सर, इसको बस अकाउंट में प्लॉट करना है, तो मैं क्या एक काम करता हूं, इसको तो अरे पहले यहां तक किसी को, जिसको वर्किंग नोट समझ में आ गया ना तो लेजर में दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको वर्किंग नोट नहीं समझ में आया तो लेजर तो भूल जाओ, क्या आएगा, किसी को वर्किंग नोट में दिक्कत, जितने बच्चे लाइव क्लास में हां या ना में जवाब दे दें। सर एक को है, बिल्कुल सही गौतम, एक को है, जल्दी से जवाब दे दे हां या ना में, नो, जितने बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं किसी को समझ में आ रहा है सारा, 6 महीने का कैसे लगा, 15% कब से लगाया, क्यों लगाया 15%, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, और हमेशा क्वेश्चन बोलेगा लास्ट में ही हम चेंज करेंगे। चलिए सर अब यहां पे आ जाते हैं, तारीख 1/1/17 से स्टार्ट हुआ है ना हमारे, 18 से 1/1/18, तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैंक, बैंक से की खरीदारी, और सर कितने की करी बैंक से खरीदारी, बैंक से खरीदारी करी सर हमने 2,00,000 की, और 31/12 को लगेगा डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन कितने, 2,00,000 पे कितने परसेंट, 20,000, पहले साल का डेप्रीशिएशन आ गया 20,000। दूसरी मशीन क्या इसी साल खरीदी है, हाँ सर हाँ, दूसरी मशीनरी इसी साल खरीद ली हमने, और उसके लिए भी क्या लिखें, टू बैंक, कितने की खरीदारी 1,00,000 रुपए का, और उसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, बाय डेप्रीशिएशन कितने आएंगे 5,000, और ये भी 31/12, एक साल कंप्लीट, किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, ये आ गया हमारा 3,00,000, और ये भी 3,00,000, और 25 माइनस कर देंगे 275,000, और बाय बैलेंस CD। अब आ जाएगा सर 1/1/19 और 2 बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD कितने 275। चलिए सर दूसरे साल का डेप लगाते हैं कब, 31/12 को, बाय डेप्रीशिएशन पहले वाले पे फिर से 20,000, लेकिन अब जो कहानी बदल गई, दूसरे वाले पे सर, दूसरे वाले पे 10,000, तीसरे वाले पे अभी नहीं लगेगा क्योंकि अभी हमने नहीं खरीदा तीसरा, क्लियर, लीजिए 2 साल का हो गया कंप्लीट, 275 और बाय बैलेंस CD, और कौन सा वाला M3
हाँ, 9500 15%, नहीं नहीं गलत बोल रहे, 9500 तो हो ही नहीं सकता, अभी देख लेते हैं, रुक जाओ, 2 75 30, 10% ही 14,250 हो रहा है, ठीक है ना। चलो, जब किसी का आंसर को गलत बोलते हैं तो जिसने आंसर दिया उसको टेंशन हो जाती है। चलिए, ये हमारा एक मशीनरी था, अब हम आ जाते हैं कब, 1 1 20, टू बैलेंस पीडी, और बैलेंस बीडी कितने का सर, 243 45 होगा, अच्छा 45 45। अब इसी साल एक मशीनरी और खरीद लिया, 1 7 20 में, और टू बैंक से सर कितने का खरीदा, 1.5 लाख रुपए का, और इस साल एक मशीनरी बेचा भी है, तो चलिए बेच देंगे, पहले पहले हम 1 7 का डेप तो लगा दें, 1 7 तक का बाय डेप्रिसिएशन, जो बिका है उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन सर कितना आया, 10,000, और फिर से बाय बैंक से क्या कर दिया इसे सर, इसे आपने कर दिया सोल्ड, और कितने का बेच दिया, 1 लाख, 1 लाख का ही बेचा है, और इसी टाइम पे क्या आ गया, नुकसान, जिसे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिख दो लॉस, और कितने का लॉस, 50,000 सर, ये सारी काम 1 तारीख को, अब क्या आएगा 31/12, अब लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन नंबर 1 पे, 2 पे, 2 पे सर, 2 पे कितना लगने वाला है, 10,000 रुपए, और 31/12 को ही लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन नंबर किस पे, 3 पे, कितना लगने वाला है 3 पे, 7500। चलिए अब इसका टोटल कर लेते हैं, 1.5 लाख रुपए आ जाएगा हमारा, 3,95,000, बताइए बाय बैलेंस सीडी, जी बैलेंस सीडी बताइए फटाफट कितने, 2,17,500, ठीक है, तो इसकी कहानी खत्म, क्वेश्चन को उठा के इधर ले जाते हैं, कोई लेना देना है नहीं उधर। चलिए सर, चलिए यहां तक बात हो गई, डन, आगे की बात करते हैं, आगे फटाफट लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर को करते हैं हम ग्रीन से, 1 1 2021, और टू बैलेंस पीडी, वो ये वो तारीख है जिस दिन मैनेजमेंट ने एक फैसला लिया, और मैनेजमेंट ने फैसला लिया भैया अब तो डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन लगेगा अलग मेथड से, तो बाय डेप्रिसिएशन नंबर 2 पे लगेगा, और बाय डेप्रिसिएशन नंबर 3, 1 तो गया, 2 पे लगेगा 11,250, और 3 पे लगेगा 21,375, चलिए 217,500, 2 लाख बाय बैलेंस सीडी बताइए, 1,84,875, यही है ना, चलिए ये भी 31/12, क्वेश्चन हो गया खत्म, और आंसर भी खत्म। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, कई बार इस सवाल को चेक करने के लिए ना वर्किंग नोट में अगर आप देखेंगे ना, तो ये वाला बैलेंस जो बचा हुआ मशीनरी, और यहाँ जितने भी मशीनरी बचे इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो आपका सेम ये बैलेंस आना चाहिए 1,84,875, तो मान लो आपका ठीक है, अदरवाइज फिर आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में एरर कर दिया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं।